हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। फ्रेंड ये नमस्ते अयोध्या सेल्फी पॉइंट बनाया गया शहादतगंज के पास। फ्रेंड आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं शहादतगंज से नया घाट तक जो पर राम पथ मार्ग बनाया जा रहा है उस पथ का अपडेट देंगे। फ्रेंड वीडियो में बने रहिए। आप यहाँ पे अगर आना चाहते हैं सेल्फी पॉइंट के पास तो ये सेल्फी पॉइंट अयोध्या शहादतगंज के पास बनाया गया है जो कि ओवरब्रिज है। देखिए यहाँ पर ओवरब्रिज जा रहा है। फ्रेंड ये हाईवे है NH 28 है। फ्रेंड ये शहादतगंज पर देखिए गिट्टी का काम चालू हो गया बिछाने का। देखिए यहाँ पर मशीन चल रही है। ये रोड बहुत जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। फ्रेंड आप इसके पहले वीडियो में देखे होंगे तो यहाँ पर खुदाई चल रहा था जो कि सीवर का काम चल रहा था, तो आपको दिखाए थे वीडियो में। देखिए यहाँ पर आप इस समय पर गिट्टी बिछाया जा रहा है। अब गिट्टी बिछाने के बाद फ्रेंड यहाँ पर काली किया जाएगा रोड, जो कि उसके बाद रोड लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड ये देखिए टंकी है शहादतगंज के पास, जो आप यहाँ पर अगर शहादतगंज आए होंगे तो आपको पता होगा अयोध्या में। देखिए यहाँ पर इस रोड पर नालियों का निर्माण हो गया है दोनों साइड में लगभग, और सीवर का भी काम कंप्लीट हो गया है। देखिए बीच में जो सीवर बने हुए हैं आपको दिखा रहे, बीच में सीवर का डाला गया है पाइप, वो आपको बीच में देखने को मिलेगा कहीं कहीं पे जो निकला है उसका टैंक। देखिए फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा सीवर का काम हो रहा है, जो कि देखिए यहाँ पर कल बारिश भी हुआ था, थोड़ा सा पानी भी भर गया है। देखिए यहाँ पर सीवर में टैंक पानी निकालने के लिए आया है, जो कि कुछ काम है इसीलिए पानी का दिक्कत हो रहा है पानी इसके अंदर उसको निकाल रहा है पीछे। देखिए वीडियो में आगे देखिए यहाँ पे बारिश का पानी अभी भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। फ्रेंड यहाँ पर देखिए काम चल रहा है, जो कि इस समय साइड साइड में इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, वायर फैलाया जा रहा है, जो कि लाइट का अंडरग्राउंड काम हो रहा है। ये सब साइड साइड जो वर्क हो रहे हैं ये अंडरग्राउंड लाइट का चल रहा है काम, देखिए यहाँ पे चल रहा है। आगे वीडियो में हम आपको बता दें यहाँ पर इस रूट पर लगभग देखिए दोनों साइड में, देखिए इस साइड में भी, इस साइड में देखिए यहाँ पर देखिए वायर फैलाया गया है। देखिए इस साइड में ये इलेक्ट्रिक है, क्योंकि अंडरग्राउंड तार लगभग ये पूरा पथ पर रहेगा लगभग 13 किलोमीटर का है, जो कि देखिए यहाँ पर वर्क जब कर रहे हैं वर्कर, देखिए कैसे खोल रहे हैं वो तार को, देखिए बंडल से। यहाँ पर देखिए लगभग 4 से 5 लोग जुटे हैं इस बंडल को निकालने के लिए। यहाँ पर देखिए आप देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा अभी गड्ढा खोदा गया है यहाँ पर कुछ बनाने के लिए, जो कि सीवर वाला काम है यहाँ पर अभी बचा हुआ था तो उसको बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये आपको बता दें शहादतगंज हनुमानगढ़ी है, जो कि देखिए यहाँ पर तोड़ा गया है कितना खतरनाक, आपको बता दें ये लगभग बहुत ज़्यादा तोड़ा गया। देखिए अभी भी इसका मलबा हटाया जा रहा है, देख लीजिए शहादतगंज हनुमानगढ़ी है। देखिए यहाँ पे इस साइड में देखिए पूरा हनुमानगढ़ी है, ये छावनी जाता है अयोध्या छावनी कैंट है, ये देखिए रास्ता छावनी का है। इस साइड देखिए फ्रेंड हम आपको बताएं फ्रेंड यहाँ पे देखिए लगभग यहाँ पे ये देखिए रोड पे गिट्टी का बिछाया लगभग पूरा हो गया है, जो कि अब इसके बाद फ्रेंड इस पर काली गिट्टी किया जाएगा लगभग, ये लेवल दिख रहा है हमको यहाँ पे इस जगह पे। आगे उस साइड में देखिए फ्रेंड उस साइड पे लगभग अभी थोड़ा सा गिट्टी कम है, वहाँ पे खाल है गड्ढा पानी भरा हुआ है उसको लेवल करेंगे। फ्रेंड यहाँ पर एक मज़ार है, जो कि मज़ार थोड़ा सा अंदर है रोड के साइड से, नहीं तो ये भी टूट जाता अगर आगे होता रोड में, तो मज़ार जब रोड के सट के हो गया है। देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफार्म ये लाइट है जिसको अभी हटाया जाएगा। देखिए फ्रेंड रोड के किनारे ही है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर ये जो शहादतगंज के पास टेम्पो स्टैंड लगता है, फ्रेंड यहाँ पर देखिए टेम्पो स्टैंड है यहाँ पर देखिए खड़े हुए हैं, लगभग ये आने वाले समय पर इसको हटा दिया जाएगा, इसका कहीं अलग रूट बनाया जाएगा, क्योंकि इस मेन रोड पर तो ऐसे स्टैंड का रहना बहुत मुश्किल है। इस साइड देखिए यहाँ पर बस स्टैंड है, क्योंकि ये बस स्टैंड भी नया बनाया जा रहा है अयोध्या के पास, और नया और बनाया जाएंगे, यहाँ से भी बस स्टैंड भी हटा दिया जाएगा। फ्रेंड आपको बता दें इसे रूट पर माटी खोदा जा रहा है JCB से। देखिए यहाँ पे जो कि साइड पे नाला है, एक नाला उसको सही किया जा रहा है। रिकाबगंज चौराहा जो कि कुछ दूर है अभी बस आने वाला ही है। फ्रेंड ये रिकाबगंज की स्थिति है, देखिए रिकाबगंज की स्थिति समय कैसी है। रिकाबगंज पर लगभग जो सीवर बनाए गए हैं उस सीवर के गड्ढे में जो पानी भरा हुआ है उसकी सफाई की जा रही है, पीछे आप देखे होंगे वीडियो में। आगे हम आपको दिखा दें ये रिकाबगंज से आगे निकल रहे हैं। फ्रेंड हम आपको बता दें इस समय
नियावा रोड के पास पहुंचने वाले हैं, चौराहे पर जो है नियावा चौराहा पड़ता है एक नियावा। देखिए इस रोड पर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं, आपको दिखा रहे हैं बिल्डिंग तोड़ी गई हैं यहाँ पर। देखिए अब आपको यहाँ पर इस साइड में देखिए बिल्डिंग तोड़ी गई हैं इस साइड में, तो नियावा के आसपास बहुत बिल्डिंग तोड़ी गई हैं, घर तोड़े गए हैं, जो कि रोड के एकदम साइड साइड रोड बने हुए थे इसलिए रोड तोड़े गए हैं। यहाँ पे देखिए इस साइड में आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अब अगर नया घर बन रहा है जो वो देखने को मिलेगा, सेम डिज़ाइन वाला घर आपको मिलेगा है देखने के लिए यहाँ पर, क्योंकि कॉमन बिल्डिंग आप जो अलाउ हुआ है इस रामपथ मार्ग पर लगभग 13 किलोमीटर पे कॉमन बिल्डिंग ही आपको दिखाई पड़ेगा लगभग। यहाँ पर अभी तो लगभग कोई घर अभी बना नहीं है, जो कि प्लास्टर भी नहीं हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, नहीं तो आपको देखने को मिलता है इस रोड पर कॉमन बिल्डिंग डिज़ाइन वाला सिस्टम। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा घर बना हुआ है, देखिए इस पर डिज़ाइन बनाया गया है, ये देखिए ऐसे डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा लगभग 13 किलोमीटर के रेंज में। ये नियामा चौराहा है, देखिए इस चौराहे पर आपको दिखाते हैं, ये सीधा नियामा जाएगा के अंदर कैंट जा रहा है, पीछे सीधा जाएगा, और ये जो हम आप चल रहे हैं जिस पथ पर ये रामपथ मार्ग है, ये नया जाएगा नया घाट के पास। देखिए फ्रेंड ये अवध मॉल बनाया जा रहा है, जो कि ये अयोध्या का ही है अवध मॉल, देखिए कितना बड़ा बनाया जा रहा है फ्रेंड, हम आपको दिखाएंगे वीडियो में इसके बना के, बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। अगले वीडियो में अगर आप देखेंगे वीडियो तो अवध मॉल का, इस रूट पर लगभग आपको कई ऐसे मॉल मिलेंगे जो कि बहुत ही बड़ा बड़ा मॉल बनाए जा रहे हैं और बने भी हैं, पहले से भी हैं। आपको अगर यहाँ पर आए होंगे देखेंगे अयोध्या से होंगे तो आपको पता ही होगा, अगर आप बाहर से आएंगे तो इस रूट पर आपको कई मॉल मिलेंगे। वीडियो लगभग फ्रेंड ये आपको एंड का करने का समय आ गया है, लगभग बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए फ्रेंड ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया जाएगा, वीडियो को कर रहे हैं एंड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड, वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।